गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की है। साथ ही इन घटना के आरोपियों के पास से भारी संख्या में मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल छीने जाने की घटना के बाद दर्ज नंबरों को पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया और मोबाइल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इन मोबाइल के असली मालिकों को बुलाकर उन्हें सुपुर्द किया। सर 28 फरवरी को सर मेरी तिलक थी, तिलक के दिन सर दो सेट हमारा गायब हुआ था, एक ये गायब छोटा सेट गायब हुआ था और सर उसी दिन गायब हुआ। हम डिस्टर्ब देखा सर 4 महीने के बाद सर आज मिला है सर। जी सर, उम्मीद थी? नहीं उम्मीद नहीं थी सर, उम्मीद नहीं थी मिलने की सर। हाँ उम्मीद तो थी नहीं सर। जी सर, 28 तारीख को मेरे पर्स से किसी ने निकाल लिया था और 28 तारीख को मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया था और मेरा फ़ोन 30 तारीख को मुझे सूचना मिली है कि आपका फ़ोन मिल गया है और आज मुझे मोबाइल अपना मिला है। मुझे उम्मीद थी, इनफैक्ट मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेरा मोबाइल मिल जाएगा, इसलिए मैंने अभी तक उन्हें फ़ोन नहीं लिया था। पुलिस प्रशासन पे थी, सर्विलांस पे थी, क्योंकि मेरा काउंट बना रहता था। मैं वीकली या मंथली आके अपना फिर से उनको रिपीट करती थी सर मिला कि नहीं मिला, सो मैं इतना अवेयरनेस थी। सर दिसंबर में मेरा गायब था, दिसंबर से आज अप्रॉक्स 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने बाद परसों जब फोन आया तो आज मुझे मिल गया, मुझे जैसी कंडीशन में था एज इट इज वैसे ही मिला। सर्विलांस सेल की टीम के द्वारा और सीओ क्राइम क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा इसमें 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और ये जो फोन है ये विभिन्न लोगों के द्वारा या तो खो गए थे या इनमें ये पहले लूट में गए थे। तो ये सारे 15 फोन बरामद किए गए हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 1.25 लाख रुपए है और इसमें जो भी 15 फोन है इनके जो लोग हैं जिनके मालिक जो इनके मालिक थे वो आके इनको रिसीव कर रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्य इसमें किया गया है। बहुत सारे फोन इसमें लॉस्ट जो खोया पाया जो रिपोर्ट होती है उसके द्वारा माध्यम से ही पुलिस के पास सूचना मिली थी और कुछ फोन है इसमें उसमें जांच कराई जा रही है कि ये फोन कैसे उन तक पहुंचे हैं। तो इसमें जांच के बाद ही इसमें कहा जा पाएगा कि ये लूट के वाले फोन है या फिर ये लॉस्ट वाले रिपोर्ट जो लिखा। मोबाइल पाने के बाद जहां पात्रों के चेहरे खिले थे वहीं पुलिस की इस कार्यशैली की तारीफ करते भी नहीं थक रहे थे। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।